हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आशीष और इस बार मैं आप सभी को लेकर जाने वाला हूं रजवाड़ों की नगरी राजस्थान। दोस्तों, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान जाना जाता है अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए, और यहाँ का हर एक मॉन्यूमेंट बहुत ही खास है और बहुत ही सुंदर है, जो राजपूतों के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान एक बहुत ही बड़ा स्टेट है जिसको हम एक ट्रिप में कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने राजस्थान के तीन मेजर सिटीज़ जयपुर, जैसलमेर और रणथंबोर कवर करे हैं, जो अपने आप में एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। जैसे कि जयपुर जाना जाता है एज ए पिंक सिटी, जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी और रणथंबोर जाना जाता है अपने टाइगर रिजर्व के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सफर और आपको लेकर चलते हैं द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। तो दोस्तों, जयपुर तीन में से किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहुंचा जा सकता है, या तो रेलवेज, रोडवेज और बाई एयरवेज। और दोस्तों, हमने प्रेफर करा रेलवेज से जाना, क्योंकि रेलवेज की कनेक्टिविटी हमारी सिटी से बहुत अच्छी है जयपुर के लिए, और दोस्तों रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज़ भी देखने को मिलते रहे हमें, जिससे कि हमारा सफ़र और भी अच्छा हो गया। और दोस्तों, जैसे जैसे ट्रेन जयपुर की तरफ बढ़ती जा रही थी, हमारा एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा था। हम रास्ते की खूबसूरती को निहारते हुए कब जयपुर के करीब पहुंच गए हमें खुद भी नहीं पता चला। दोस्तों, हम जब जा रहे थे तो रास्ते में काफ़ी बारिश भी हो रही थी और हमें बारिश के भी नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे थे, और बहुत ही जल्द अब हम अपने डेस्टिनेशन यानी जयपुर पहुंचने वाले हैं। ट्रेन धीरे धीरे स्लो होती गई और हमारे एक्साइटमेंट बढ़ता चला गया दोस्तों। और जैसे ही आप दोस्तों जयपुर स्टेशन के बाहर निकलेंगे, तो आपको नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और आपको जयपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो और टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, तो आप जिसको भी प्रेफर करना चाहें, आप इधर ऑटो और टैक्सी से अपने होटल तक जा सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों हमारा होटल और रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हमने ऑटो ही प्रेफर करा। और दोस्तों, उस समय सर्दियां थी और शाम के समय हम लोग पहुंचे थे, तो इतना ट्रैफिक भी नहीं था और रोड भी काफ़ी अच्छी थी वहां की, तो हमें अपने होटल पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, शाम का समय है, लाइट भी चल चुकी है, और दोस्तों कुछ ही क्षणों में हम अपने होटल पहुँच गए। होटल पहुँचते ही हमने अपनी सारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, और अब दोस्तों हम आज के लिए रेस्ट करेंगे और अब हम आपसे मिलेंगे कल, जब हम आपको पूरा जयपुर का सिटी टूर कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे गांव जयपुर में। और दोस्तों, नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना सिटी टूर, और हमने स्कूटी ले ली है, और यहाँ पे स्कूटी इजीली आपको रेंट पे मिल जाती है, जिसको ही लेकर मैं प्रेफर करता हूँ कि लोकली उस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। सो नेक्स्ट डे हम लोग स्कूटी हायर करके हम और हमारे सारे बडीज निकल पड़े थे जयपुर का सिटी टूर करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रोड्स बहुत ही क्लीन है, सर्दी का मौसम है, अच्छी धूप निकली हुई थी और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था स्कूटी राइड करके सिटी एक्सप्लोर करने में। और दोस्तों, हम बता दें, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जयपुर का सिटी पैलेस, हवा महल और जल महल। तो ये तीनों आज हम एक्सप्लोर करेंगे, और आइए आप भी हमारे साथ एक्सप्लोर करिए जयपुर।
सो दोस्तों, हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसमें आज भी रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं। सिटी पैलेस में एंट्री करने के लिए मेनली तीन गेट्स हैं, जिनको बोलते हैं उदयपोल, वीरेंद्रपोल और त्रिपोलिया। दोस्तों, त्रिपोलिया से सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही आ जा सकते हैं। टूरिस्ट के लिए वीरेंद्रपोल और उदयपोल है। सिटी पैलेस में बहुत सारी इमारतें हैं दोस्तों, जिसमें कि प्रमुख हैं चंद्र महल, सभा निवास, दीवाने खास, मुबारक महल, क्लॉक टावर। और इन सभी में मेनली जो है आर्ट गैलरीज हैं, टेक्सटाइल गैलरी और म्यूजियम है। सिर्फ चंद्र महल ही ऐसा है जिसमें रॉयल फैमिली रहती है। फ्रेंड्स, यहाँ की सभी जगहों पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सिर्फ दीवाने खास और मुबारक महल के बीच का जो कोर्टयार्ड है, वहीं पे आप फोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं। इसलिए हमारे पास सिटी पैलेस का इतना ही वीडियो है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो एंट्री टाइमिंग है वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है, और एंट्री फीस है ₹200 पर पर्सन। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वीडियो ज़्यादा लंबा है नहीं, तो हमने यहाँ पे कुछ स्टिल्स लिए थे, वो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो तब तक आप वो इन्जॉय करिए, और हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है हवा महल। सो दोस्तों, हम लोग सिटी पैलेस से निकल चुके हैं, और अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है हवा महल। तो इससे पहले कि हम हवा महल का टूर स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हवा महल की टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, और एंट्री फी है ₹50 पर पर्सन। दोस्तों, आप मोस्टली वीडियोज़ में या व्लॉग्स में जो इसका साइट देखते हैं, जहाँ पर लोग मोस्टली फोटोग्राफी करवाते हैं, वो इसका एंट्री पॉइंट नहीं है। इसका एंट्री पॉइंट उसके बगल से है, जहाँ से आपको अंदर आके पहले टिकट लेना होता है, फिर आप अंदर एंट्री कर पाएंगे। और दोस्तों, अंदर एंट्री करते ही आपको एक ये कोर्टयार्ड मिलेगा, जहाँ पे एक फाउंटेन लगा हुआ है। सो दोस्तों, आइए इसकी हिस्ट्री से शुरू करके हम आपको इसका पूरा टूर करवाते हैं। दोस्तों, हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जो महाराजा सवाई जय सिंह के ग्रैंडसन थे। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें कुल 953 झरोखे यानी कि विंडो हैं। दोस्तों, इसका स्ट्रीट व्यू देखने में बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के जैसा लगता है। दोस्तों, आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, वो ये कि हवा महल का जो साइड हम रोड से देखते हैं, एक्चुअल में ये इसका बैक साइड है, ना कि फ्रंट साइड। इसको इस तरह से बनवाने का एक मुख्य कारण ये भी था कि जो राज परिवार की लेडीज़ थी, वो बाहर क्या हो रहा है वो देख पाएँ, बट उन्हें कोई बाहर से ना देख पाए। दोस्तों, ये पिंक एंड रेड स्टोन से बनी इमारत देखते ही बनती है, और ये अपने आप में एक मावल है। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। इसके टॉप फ्लोर से जयपुर के मेन सभी मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, एंट्री के टाइम पे हम जब कोर्टयार्ड में एंटर हुए थे, वहाँ पे हमें एक फाउंटेन मिला था, और उसके बगल से ही ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर में जाने के लिए रास्ता है। और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर में आते हैं, वहाँ पे आपको आते ही ऐसा एक बड़ा सा रूफ टॉप मिलेगा, और उस रूफ टॉप में आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, और मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे खड़े होकर फोटोग्राफी करते हैं। और ये इसके जैसा कि आप देख सकते हैं, बैक साइड में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर में जाने के लिए रास्ता भी यहीं से है। सो दोस्तों, हम आपको आगे लेकर चलते हैं, जहां पे आप देखेंगे कि इसके सेकंड फ्लोर में किस तरह का देखने में ये कैसा लगता है। सो दोस्तों, जब आप एंटर करेंगे सेकंड फ्लोर में, तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी कलरफुल ग्लास की छोटी छोटी शेल टाइप विंडोज़ हैं, जिसको बनाने का मेन पर्पस ऐसा था कि जब इसमें सनलाइट पड़े, तो एक वाइब्रेंट कलरफुल लाइट अंदर महल की तरफ पड़े, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल लगती है। और दोस्तों, अगर आप लकी हुए तो यहाँ पे आपको कई मूवीज़ या सीरियल या सॉन्ग्स की शूटिंग होते हुए भी दिख जाएगी।
दोस्तों उस दिन हम भी लकी थे और हमें एक मूवी की और या और कांड से बट किसी एड शूट की या फिल्म शूट की हमें भी शूटिंग होते हुए यहाँ पे दिखाई दे गई। और दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो चीज़ कैमरे में दिखाऊंगा कि शूटिंग वो लोग कैसे कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया क्योंकि ये यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं था। ये देखिए दोस्तों उस एड शूट के या सॉन्ग शूट के कलाकार यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अब आइए दोस्तों हम आपको आगे लेकर चलते हैं जहाँ पे आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर का टूर हम इसमें कराएंगे। तो आप एंजॉय करते रहिए, हम आपको मिलेंगे इसी वीडियो में थोड़ी देर में। सो दोस्तों हम फाइनली आ गए हैं हवा महल के टॉप फ्लोर पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आप पूरा जयपुर सिटी का व्यू यहाँ से देख सकते हैं। सामने आपको चंद्र महल सिटी पैलेस का दिखाई दिया होगा और ये जो दूर पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं इसमें आपको आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट भी देखने को मिलेगा। और ये सामने है जंतर मंतर जो कि आप देख सकते हैं हवा महल के फिफ्थ फ्लोर पर खड़े होकर। दोस्तों ये है हमारा मेन कोर्टयार्ड जहाँ से हमने एंट्री करी थी और आप ये पूरा 360 व्यू यहाँ से देख सकते हैं। ये एक कॉर्नर है हवा महल का जहाँ पे अभी हम हैं और बैक साइड पे आप देखेंगे वो डोम वाला स्ट्रक्चर जो कि मेन उसका बैक साइड व्यू है जो कि मेनली स्ट्रीट से दिखाई देता है हवा महल का। अभी हम उतर जाएंगे और हम आपको वहाँ से भी खड़े होकर पूरा यही सेम व्यू दिखाएंगे जो कि इवन शायद आपको और बेटर लगे क्योंकि वहाँ पे ये पिलर्स का एक ऑब्स्ट्रक्शन जो आ रहा है ये नहीं आएगा और आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे। और दोस्तों अब हम उस जगह पर आ गए जो अभी हमने आपको वहाँ से दिखाई थी। अब आप देखिए यहाँ से पूरा क्लियर आपको 360 व्यू जयपुर का दिखाई देगा। ये वो जगह जहाँ पे अभी हम इससे पहले खड़े होकर ये रिकॉर्ड कर रहे थे। दोस्तों जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ बहुत ही नैरो है ये पोर्शन, यहाँ पे ज़्यादा एक साथ लोग खड़े नहीं हो सकते हैं बट फिर भी उस दिन बहुत भीड़ थी तो लोग खड़े हुए थे। और आप देखिए और एंजॉय करिए ये पूरा व्यू हवा महल से जयपुर के बाकी मॉन्यूमेंट्स का और खुद हवा महल का भी।
और आई होप आप ये वीडियो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, और अब हम आपका एंजॉयमेंट और बढ़ाने वाले हैं क्योंकि हम आपको लेके जाने वाले हैं एक और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन जिसका नाम है जल महल। दोस्तों, जल महल जाने के लिए हमें इसी रास्ते के थ्रू होके जाना पड़ता है और आपको लगभग 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। हमें भी उसे ट्रेवल करने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक शाम के टाइम कुछ ज़्यादा था, लेकिन वो पता नहीं चला क्योंकि रास्ते काफ़ी अच्छे थे। और दोस्तों, जल महल पहुँचने के बाद आपको नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जहाँ पे खूब सारे पहाड़ियाँ, पंछी चहचहाते हुए, और शाम के समय यहाँ पे और भी खूबसूरत हो जाता है क्योंकि जब सूरज की लाल किरणें यहाँ पे पड़ती हैं तो जल महल की खूबसूरती और बढ़ा देती हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कबूतरों को खिलाने के लिए दाना भी मिलता है जो कि आप लोकली वहीं से परचेज करके खिला सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। हमने भी कबूतरों को दाना खिलाना चाहा और उनको हमने दाने खिलाए जो कि हमें बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस लगा, और हम आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप जब भी जल महल जाएं तो आप भी वहाँ पे ये आप कबूतरों को दाना खिलाना एंजॉय कर सकें। दोस्तों, अब मैं आपको जल महल की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, जल महल यानी के पानी के बीच में बना हुआ महल, और यही इस महल की खासियत है। इस महल को 1699 में बनवाया गया था और इसके चारों तरफ मानसागर लेक है। आप सभी को जानकर यह हैरानी होगी कि ये एक 5 मंजिला इमारत है जिसके 4 फ्लोर पानी के नीचे हैं और 5th फ्लोर पानी के ऊपर है जो कि हमें दिखाई देता है। इस लेक के किनारे बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट है जहां पे आप खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहां पे आपको राजस्थानी ड्रेस में भी फोटो क्लिक करने का चांस मिल सकता है और आप उस राजस्थानी ड्रेस में फोटो खिंचवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका जल महल का टूर, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर आपने एंजॉय करा हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करें और हमारे साथ बने रहें क्योंकि अभी जयपुर के और भी ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपने वीडियो खूब एंजॉय किया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।